हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को आप किस तरह से ऑफलाइन पीडीएफ बना सकते हैं बिना ऑनलाइन गए, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट सेफ़ रहेगा। आप ऑनलाइन जाओगे तो जिस साइट से जाके कन्वर्ट करोगे वहाँ पे वो आपका डाटा चुरा लेते हैं, मतलब स्टोर हो जाता है, वो थोड़ा सा सिक्योरिटी के लिए सही नहीं है। तो ये ऑफलाइन है, हमारे पास एक सेटअप है जिस तरह से आप देख रहे हैं, पीडीएफ क्रिएटर प्लस करके सेटअप है। हम उसको सेटअप को डबल क्लिक करके यस करेंगे। यस करने के बाद जिस तरह से आप देख रहे हैं हमें एक एक स्टेप्स इसमें लेना है, इसको नेक्स्ट करना है और इसको आई एक्सेप्ट करके नेक्स्ट करना है। और इसको यहाँ पे आपका कंप्यूटर का नाम रहेगा और आपका ऑर्गेनाइजेशन रहेगा जो भी आपने रखा है, उसको एनीवन करके नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, या आपको ओनली फॉर मी करके नेक्स्ट कर देना है, कोई दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो, वो डिपेंड आपके ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको नेक्स्ट करके इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। गाइज, इस पीडीएफ का इंस्टॉलेशन का मेरा बेसिक पर्पज़ यही है कि बहुत से लोग हैं जो ऑनलाइन जाके पीडीएफ कन्वर्ट कर लेते हैं, पीडीएफ बना लेते हैं, उसमें क्या होता है आपका डेटा का सिक्योरिटी नहीं होता है। और इस तरह से अगर आपने ऑफलाइन कन्वर्ट किया पीडीएफ तो आपके पास ऑफलाइन रहेगा, उसमें आपका डेटा का सिक्योरिटी भी है और अच्छी चीज़ ये है कि आपका डेटा कहीं पे लीक नहीं हो रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है तो, अदरवाइज़ आप नॉर्मल डॉक्यूमेंट कभी भी जाके ऑनलाइन कन्वर्ट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइज़, ये सेटअप मेरे पास है, अगर जिस किसी भी यूज़र को सेटअप की ज़रूरत होगी वो मेरे से कमेंट करके ले सकता है, मैं उसको एक लिंक बना के दे दूँगा, वो वहाँ से जाके ईजिली डाउनलोड कर सकता है। इसका क्रैक भी है मेरे पास, सेटअप तो ऑलरेडी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिस तरह से आप देख रहे हैं इसमें क्रैक किस तरह से करना है, क्रैक पे जाके डबल क्लिक करना है, उसको राइट क्लिक करके कॉपी करना है, और जो हमारा सेटअप है डेस्कटॉप पे शॉर्टकट, उस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ करना है, ओपन फाइल लोकेशन में जाना है और वहाँ पे कंट्रोल वी कर देना है या राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है, रिप्लेस कर देना है। ठीक है, इसको कंटिन्यू कर देना है यहाँ पे और इसको अप्लाई ओके कर देना है। तो गाइज़, ये हमारा जो है पीडीएफ इंस्टॉल हो चुका है क्रिएटर प्लस का। इसको हम डबल क्लिक करके आपको दिखा देते हैं इसका होम पेज या बेसिक पेज किस तरह से रहता है। तो आप इसमें वर्ड, एक्सेल, नोटपैड, कुछ भी डॉक्यूमेंट आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपके पास पीडीएफ है ओपन करने के लिए तो ठीक है, नहीं है तो डायरेक्टली आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एज में ओपन हो सकता है। इसको हम डोंट शो दिस मैसेज अगेन कर देंगे, इस पर चेकमार्क करके ओके कर देंगे और कुछ हमारा इस तरह से ये पीडीएफ का हमारा होम पेज दिखता है। ठीक है, जो हमारा पीडीएफ क्रिएटर प्लस है, तो इसको हमें क्या करना है, ये अभी हमारा पीडीएफ क्रिएट पीडीएफ है, ये सब है ऑप्शंस, इसको हमने क्लोज़ कर दिया। हमने एक नोटपैड पे डॉक्यूमेंट बनाई है, कुछ टाइप करके रखा है, उसको डबल क्लिक करके ओपन करना है। ओपन करने में फाइल में जाना है, प्रिंट में जाना है, या आप कंट्रोल पी करके भी जा सकते हो प्रिंट में। यहाँ पर आपको पीडीएफ क्रिएटर प्लस का जो सेटअप रहेगा वो ऑप्शन चूज़ करना है, प्रिंट नहीं, प्रिंट वाला ऑप्शन नहीं लेना है, इस पर अप्लाई करना है और प्रिंट कर देना है। पीडीएफ क्रिएटर का ऑप्शन चूज़ करना है, ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप प्रिंट मार दोगे, बोलोगे कि मेरा पीडीएफ कन्वर्ट हुआ ही नहीं, वो तो प्रिंट हो गया। तो आपको ध्यान देना है, जब भी आपको पीडीएफ कन्वर्ट करना है तो वहाँ पे पीडीएफ क्रिएटर प्लस का ऑप्शन चूज़ करना है, फिर आपका डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। वहाँ पे क्रिएट पीडीएफ में जाना है और जो भी आपने लोकेशन अपने हिसाब से सेट कर रखा है, आपको डॉक्यूमेंट में चाहिए, डेस्कटॉप पे चाहिए, डाउनलोड्स में चाहिए, या पर्टिकुलर आपने कोई फोल्डर बना रखा है वहाँ पे आपको कन्वर्ट करके चाहिए, इसको हमें नो करना है क्योंकि हमारा ऑलरेडी पीडीएफ क्रिएट हो चुका है। और इसको नो करें क्योंकि हमें सेव नहीं करना है, हमारा हमारे डेस्कटॉप पर हमारा पीडीएफ का ऑप्शन आ चुका है और इसको हम ओके कर देंगे। आपके पास पीडीएफ का ऑप्शन है तो पीडीएफ में जाके व्यू कर सकते हो, अगर ऑप्शन नहीं है तो आप माइक्रोसॉफ्ट एज में ओपन कर सकते हो विंडोज़ 10 अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो। जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये हमारा कुछ नोटपैड में टाइप किया हुआ डॉक्यूमेंट है, कुछ कंटेंट हमने टाइप किए हैं। ठीक है, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आपको उसमें जाके प्रिंट करना है या आपको पीडीएफ क्रिएट करना है। सिंपल है, आपके कोई भी डॉक्यूमेंट हो, वर्ड हो, एक्सेल है या नोटपैड हो, उसको सिंपल डबल क्लिक करना है, वहाँ पे फाइल में जाना है या कंट्रोल पी करना है। ठीक है, प्रिंट के लिए जिस तरह से हम जाना होता है, वहाँ पे आपको पीडीएफ क्रिएटर प्लस का ऑप्शन चूज़ करना है। पीडीएफ क्रिएटर प्लस का ऑप्शन चूज़ करने के बाद आपको अप्लाई करना है और प्रिंट वाला ऑप्शन दे देना है, या डायरेक्टली आप प्रिंट का ऑप्शन दे देंगे। यहाँ पर आपको सेव करने के लिए लोकेशन पूछेगा, पर्टिकुलर कोई भी लोकेशन पर आप रख सकते हो आपके हिसाब से, जहाँ पर आपको रखना है।
इस तरह से एक पेज ओपन होगा, होम पेज, जहाँ पे आपका पीडीएफ रहेगा। इसमें आप सिंगल पेज भी पीडीएफ बना सकते हैं, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को पीडीएफ बना सकते हैं। ये सारे इसमें सहूलियत है, फैसिलिटी है। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं इसमें इसका एक अलग नाम देता हूँ, पीडीएफ का प्रोजेक्ट 2 दे देता हूँ। इसको सेव कर दिया और ये इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ, और मुझे ये नो करना है, सेव नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जो पीडीएफ क्रिएट किया वो हमारे डेस्कटॉप पे आ चुका है। तो इसको हम डबल क्लिक करके देख लेते हैं एक बार। ये हमारा प्रॉपरली जैसे हमें चाहिए था उस तरह से हमारा पीडीएफ क्रिएट हो चुका है। तो गाइस, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। जिसको भी सेटअप चाहिए रहेगा मुझसे कमेंट करके ले सकता है, मैं उसको लिंक बना के दे दूंगा, वो सेटअप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकता है। थैंक यू सो मच।